सेंधवा। ग्राम पंचायत जामली के आसपास विद्युत पोल पर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, जिस पर बोरली निवासी एमपी भी आउटसोर्स कर्मचारी कांतिलाल पिता नातू काम कर रहा था। अचानक विद्युत प्रदाय शुरू हो गया और कांतिलाल को पोल के ऊपर करंट लग गया। मौके पर मौजूद कर्मचारी व अन्य लोग उसे सेंधवा के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि एक कर्मचारी ने परिजन को हादसे की सूचना दी। परिजन निजी अस्पताल पहुंचे और कांतिलाल का शव लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके से चले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में मृतक कांतिलाल के परिजन और ग्रामीण सिविल अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए शव को सिविल अस्पताल से लेकर पुराना एबी रोड स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों को देख विद्युत विभाग के कर्मचारी भाग खड़े हुए। मृतक के भाई ने बताया कि ऐसी जानकारी मिली है कि सीएम के होने वाले कार्यक्रम को लेकर कहीं पर कार्य कर रहे थे, तभी यह घटना हुई। सूचना मिलने पर सेंधवा शहर थाना टीआई राजेश यादव, नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी, नायब तहसीलदार भंवर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी कि जो भी घटना के जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। टीआई यादव ने ग्रामीणों को जेई के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। फिलहाल हंगामा जारी है। वहीं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मान मनोबल कर रहे हैं कि परिजन शव का पीएम करवाए, यहां से सिविल अस्पताल लेकर शव चले। फिलहाल हंगामा जारी और भारी पुलिस बल एमपीबी कार्यालय पर मौजूद है। वो फोन आया था, हम भी बिजली विभाग में काम करता था पहले से। फोन आया तो बोले कि आपके काकों को बोले करंट लग गया है, तो फिर हमें गया यहाँ पे अपने नारायण दास। अच्छा, नारायण दास में सब सर वगैरह थे, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई काका की, तो वहाँ से उसके बाद वो पीएम वगैरह करने वाने के लिए सब यहाँ अस्पताल आए, सरकारी अस्पताल। कहाँ पर हुआ?